तो हाय फ्रेंड, मैं अमरजीत कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मनी मेकिंग। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका यूज एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े इंसान तक करते हैं और इसे हर एक क्षेत्र में, छोटा बड़ा एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, आज हम इस प्रोडक्ट की सिर्फ रॉ मटेरियल की जानकारी आपको देंगे, क्योंकि मशीन लेकर इसे बनाना काफी मशक्कत वाली काम है और काफी ज्यादा झंझट भी है। तो फ्रेंड, आप सीधा इसे रॉ मटेरियल परचेज करें, इसे पैक करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, या फिर इसी प्रोडक्ट को आप अगर थोक कीमत में भी लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाएगा। तो टोटल जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आप इसका रॉ मटेरियल ही लेते हैं या फिर आप ले लेते हैं इसे पूरे पैक होलसेल रेट में, तो कितना आपको मुनाफा होगा इस प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में होलसेल प्राइस पर भी अगर सेल करते हैं तो। और साथ ही आपको बताने वाले कितना खर्च लगेगा और कितना आपको मुनाफा हो सकता है इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो, और आपको इसमें कौन सा लाइसेंस लेने हो, किस तरह से आपको मार्केटिंग करना है, ये टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखते रहे ताकि आपको समझ में आ सके कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले करते हैं आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख सुन रहे तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बगल में बनने वाले घंटे जैसे निशान पर भी क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर दें बिजनेस या अर्निंग से रिलेटेड तो उसका सूचना सबसे पहले आपको मिल सके और हमारे उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, टारगेट है पूरे 5000, इस वीडियो को अभी से लाइक करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लू के बिजनेस आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, वैसे हर कोई व्यक्ति जानता ही होगा ग्लू का प्रयोग कहाँ होता है, वैसे हम आपको बता दें कि ये ग्लू का प्रयोग स्कूल से लेकर बड़े से बड़े ऑफिस में होता ही है। और आपको बता दें कि ये प्रोडक्ट लगभग स्टेशनरी के दुकान में या फिर वैसे शॉप में मिलते हैं जहां स्कूल कॉलेज हो, आसपास में ऑफिस हो, वहां पे आसानी से आपको देखने को मिल जाता होगा। तो ग्लू आज के डेट भारत में काफी अच्छे से मार्केट कर रहा है, अलग अलग कंपनियां ग्लू लेके आती हैं, ठीक है, जिसका बेहतर होता है वो उसका काफी अच्छा डिमांड होता है, और जिसका थोड़ा क्वालिटी नीचे होता है यानी कमजोर होता है उसका डिमांड थोड़ा कम होता है, पर बिकता हर एक है। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह के ग्लू का बिजनेस स्टार्ट करें और बिना कोई मशीन के, बिना कोई वैसे स्पेस के, कोई फैक्ट्री वगैरह ना भी लगाएं, तो इस बिजनेस को आप करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, आपको सिंपल करना क्या होता है कि आप जो है होलसेल प्राइस पे इसे आप ग्लू का रॉ मटेरियल मंगवा, एक कंटेनर आता है, आप सब जानते हैं कि ग्लू कंटेनर के अंदर पैक होता है, जैसे कि आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, तो ये कंटेनर जो है आपको ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो इसे ऑनलाइन लेकर ग्लू को इसमें फिल करेंगे और आप अपने जिस कंपनी के नाम से इसे स्टार्ट करना चाहते हैं उसे आप उसमें प्रिंट करवा दे या फिर स्टिकर आता है स्टिकर चिपका दे, मार्केट में आप इसे आसानी से सेल कर सकते हैं पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी काफी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मार्केट में ग्लू सेल कर रही है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है ग्लू का वो काफी ज्यादा फेमस नहीं है और इतना ज्यादा इसमें कंपटीशन नहीं, तो आप इसे आसानी से मार्केट में सेल करके एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं रॉ मटेरियल के रूप में तो कहां से लेंगे। देखिए, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल जैसे दो बड़े बड़े वेबसाइट है जहां पर काफी लोग अपना कंपनी का लिस्ट करके रखे हुए है कि आप हमसे होलसेल के प्राइस पर ग्लू मंगवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इंडिया मार्ट के वेबसाइट पर लेके चलते हैं और वहां बताते हैं कि क्या प्राइस है, आपको कितना ट्रांसपोर्ट खर्चा लगेगा, किस तरह से आप इसे मंगवा सकते हैं ग्लू और प्लस उसका कंटेनर जो होता है उसे। तो फ्रेंड, हम है इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे और इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे हम इसको डिटेल्स आपको समझा देने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जरूरत होगी आपको इस वेबसाइट पर जाने के बाद देखने के लिए। तो सबसे पहले ये बोतल आपको 3 साइज में अवेलेबल है जैसे पिक्चर में दिख रहा है, और इसका प्राइस पर बोतल का 1 रुपया रखा गया है। 25, 50 और 100 ग्राम के साइज में ये बोतल आपको अवेलेबल है। कंपनी दिल्ली में है, ये मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी दिनों से कर रही है, लगभग 2001 से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इंडिया मार्ट पर 1 साल पहले ही लिस्टेड हुई है। दूसरी सबसे खास बात है कि कंपनी का टर्नओवर लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए का है
और आपको बता दें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे आप जीएसटी कहते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कंपनी का जीएसटी नंबर है। तो कंपनी सर्टिफाइड है, आप जाइए और जाके यहाँ विजिट कीजिए, सारी बातें कीजिए। अगर आपको ये सैंपल के तौर पर कुछ डब्बे दे दें, वैसे डब्बे का सैंपल लेने को ज़रूरत तो है नहीं, तो अगर फिर भी आप चाहे लेना तो आप ले सकते हैं। और इसे आप यूज़ करने के बाद आप इसे इन्फॉर्म करें और होलसेल थोक के भाव में 1,000, 2,000, 10,000 की संख्या में मंगवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लू की, कहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ग्लू, इस तरह का बोतल आपको लेना होगा, ट्रांसपेरेंट बोतल। तो ये कंपनी लगभग आपको 1 लीटर प्रोवाइड कर देती है 700 से 900 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे आप 1 लीटर का प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये कंपनी हैदराबाद में इस्टेब्लिश है और ये लगभग काम कर रही है 2011 से, 2 साल पहले इंडिया मार्ट पर लिस्टेड हुई है। और इसका जीएसटी नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, ये 50 से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे आपको जाना ज़रूरी है, यहाँ जाइए कंपनी से बात कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस वीडियो का, बात कीजिए, सारी बात समझ में आ जाए तब जाके इस बिजनेस को इस कंपनी के साथ शुरू कीजिए। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबने देख लिया कि इंडिया मार्ट के वेबसाइट पर ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो इसे अपने घर मंगवा सकते हैं। पहले आप चाहे तो कंपनी से बात कर ले, कंपनी से बात करने के बाद उससे आप सैंपल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, कुछ लोगों को यूज करवा सकते हैं, उनसे आप फीडबैक लें और उसके बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी ग्लू आप जिस कंपनी से मंगवाना चाहते हैं उस कंपनी का ग्लू और तमाम ग्लू से बेहतर है या नहीं। तो इस तरह से आप फीडबैक लेने के बाद आप जो है कि इस काम को शुरू कर सकते हैं। देखिए आप शुरू करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होगी, कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी, जैसे कि आपको जीएसटी नंबर लेना होगा अगर बड़े पैमाने पर आप शुरू करना चाहते हैं तो। अगर बड़े पैमाने पर इसे शुरू नहीं करना चाहते हैं तो इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, आप सिंपल जो है अभी स्टार्ट कीजिए मार्केटिंग और जैसे ही आपका टर्नओवर 5 लाख 7 लाख से ऊपर होने लगता है तब जाकर आप जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, साथ ही साथ अपने आधार उद्योग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आपको लोन लेने में भी सुविधा हो सके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। तो इस प्रॉफिट मार्जिन को जानने के लिए हम एक चार्ट बनाए, उस चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आप इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। एप्रोक्स एक अनुमानित इनकम है जिसे आपको देख लेना चाहिए। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने देख लिया क्या प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि दूसरा रास्ता भी है, थोड़ा उसमें कम इनकम होगा बट होगा तो जरूर। इसमें क्या था जो हम अभी बता रहे थे आपको, इस वीडियो में पहले बता चुके हैं, उसमें क्या था कि आपको ग्लू लेना है, कंटेनर लेना है, फिल करना है, उसके बाद जाकर आप मार्केटिंग करेंगे और सेल करेंगे। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस कंपनी के बारे में हमने बताया है इंडिया मार्ट पे, उस कंपनी से आप सिंपल से ग्लू कंटेनर के साथ में भरा हुआ आप ले सकते हैं। अगर वहां पर अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं यानी कि स्टिकर चिपकाना चाहते हैं तो वो उन्हें बताना पड़ेगा आपको, तो वो लगभग आपको 3 रुपये 50 पैसा या 3 रुपये के आसपास में आपको ये टोटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जो है कि आप लगभग 4 रुपये या 4 रुपये 25 पैसे के आसपास मार्केट में सेल कर सकते हैं, जहां पे आपको लगभग 50 पैसे का इनकम होगा, 75 पैसे का इनकम होगा, जैसा मार्केट होगा आपके एरिया में उस तरह से आपको जो है प्रॉफिट देना है रिटेलर को, होलसेलर को, तो वो सारा आपको माइनस करना होगा। क्योंकि 3-3.5 रुपये अगर आप लेते हैं तो मार्केट में ये 5 रुपये से में ही सेल होता है, इससे ज्यादा में सेल नहीं होता। तो अगर 3.5 रुपये हम लेते हैं तो 1.5 रुपये के अंदर आपको होलसेलर, रिटेलर प्लस आपका खुद का इनकम, ये तीनों देखना होगा। तो उस हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है, उसके बाद आप मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया जो कि आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक था, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बिजनेस रिलेटेड और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में आप क्लिक करें और देख सकते हैं काफी सारा वीडियो जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें प्लीज नीचे कमेंट करें, हम कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर देंगे।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों के बीच भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके इस बिजनेस के बारे में कि बिना मशीन लगाए वो किस तरह से ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटा मोटा इनकम वो जनरेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ कोई नए अर्निंग के टिप्स और ट्रिक्स लेके। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।